आइस लगी हो तो उठा ले तो पूछ। अच्छा हाय 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 गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो हेलो लक्ष्मी। हाय हाय दिशा। आप लोग अपने कमेंट्स अगर फिर से लिखेंगे तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा बिकॉज मैं अपना लिंक यहाँ वहाँ शेयर करने पे रह गई थी। हेलो मैडम, आई हैव टू डॉटर्स, वन इज 90 टेंथ फॉर पैरामेडिकल जनरल कैटेगरी एंड फॉर द सेकंड जन्म 329 तो बोथ ऑफ देम गेट द फर्स्ट वन जिसकी 90 रैंक है कांग्रेस, बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक है, इनको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। एंड सेकंड जिनकी 329 रैंक है जीएनएम में, तो जीएनएम की सीट्स 150 समथिंग है। ओके, अगर थोड़ी इंक्रीज भी होगी तो 180 या 200 के बीच तक तो हो, इनके चांसेस हैं कि इनको कोई कॉलेज मिल जाए। आप दोनों की तीनों काउंसलिंग करवाइए प्रमोद जी, दोनों को कॉलेज मिल सकता है। दिशा हाय हेलो, कैसे हो सब लोग? आप लोग अपनी जो भी क्वेरीज है मेरे से यहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है? मतलब जो आपको पूछना है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, पैरामेडिकल हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप यहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते हो। ओके दिशा हाय, रेखा हाय, कनिका हेलो हाय, रॉयल हाय हाय, रूपांशी बिस्ट हाय दी। अभी 1 ईयर एग्जाम नहीं हुए हैं, कब तक होंगे थी? अभी बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी बस अभी करवाती होगी, हो जाएंगे। मैम मेरी बीएससी नर्सिंग 186 रैंक है, मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज? आपको अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ मिलेगा फर्स्ट में, सेकंड या थर्ड कराओगे तो डेफिनेटली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आई हैव 75 रैंक, देहरादून मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। कांग्रेस दिव्या अंजलि, मैम मेरी बीएससी नर्सिंग में 186 रैंक है, मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? 186 है फर्स्ट में अल्मोड़ा या पिथौरागढ़, एंड सेकंड में जो आप चाहते हो आपको वो मिल सकता है, ठीक है? मतलब तो आप लोग ना काउंसलिंग करवाओ सारे, समझ रहे हो? रूपांश दी, मेरी रैंक 276 है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज प्लीज़ टेल मी। गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा बट थोड़ा दूर मिलेगा। एचएनबीयू वाले जॉब और प्लेसमेंट भी देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं। दी मेरी रैंक 313 जनरल कैटेगरी, बच्चे किस में एडमिशन चाहिए? रीता पूजा ओझा दी, 3452 रैंक में मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग, बहुत ज़्यादा रैंक है। बच्चे कैटेगरी क्या है? रॉयल, मैम मैंने 49 मार्क्स, 270 जनरल कैटेगरी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। रॉयल आपको किस कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए? थैंक यू, वेलकम बच्चे। अंजलि आरती दी, मेरे 1204 रैंक है, एससी से हूँ, कॉलेज मिलेगा क्या? दी आरती आपको कॉलेज मिल जाएगा, तीनों काउंसलिंग कराओ। श्रीनगर में भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज है क्या? दी श्रीनगर में नहीं है। शीतल हाय, आरती बीएससी नर्सिंग में। आरती आपकी रैंक फिर से बताना, पैरामेडिकल 90 रैंक में देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? हाँ प्रमोद जी मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करवाओ बच्चों की आप अपने। दी मेरे 264 रैंक है बीएससी नर्सिंग, दी मुझे टिहरी मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, डोंट वरी, अच्छी रैंक है कांग्रेस। ओके अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, आप क्यूट दिख रहे हैं, थैंक यू। सीमा दी, 340 रैंक, एससी फर्स्ट काउंसलिंग में हल्द्वानी चांसेस है, सीमा मिल जाएगा कॉलेज कांग्रेस। दी मुझे कॉलेज की उम्मीद रखनी चाहिए, 148 रैंक है, कॉलेज की उम्मीद रखनी चाहिए, पूछ रहे हो रिद्धि? यार आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा, समझ रहे हो? कांग्रेस आरती 1204 है दी, बीएससी मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करवाओ। दी प्राइवेट कॉलेज का कुछ आइडिया है, कब से खुलेंगे प्राइवेट कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो बट ये सारे उससे एफिलेटेड होते हैं आईएनसी, तो पढ़ाई सबकी मे बी सेम होती है। काउंसलिंग कब तक होगी? हो सकता है कि सितंबर एंड तक हो या फिर वही अक्टूबर तक चले जाए। दी मेरे 313 रैंक है, मेरी 480 रैंक है, ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज रैंक बीएससी नर्सिंग। यार सॉरी इतनी जल्दी आ रहे ना, तो मुझे मैम एएनएम 49 मार्क्स, 217 रैंक, जनरल कैटेगरी, सारी काउंसलिंग करा, रॉयल मिल जाएगा। दी मेरी खुशी, यार सॉरी सॉरी यार, मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी पढ़ने का बट उन्हें ऐसे फटाफट हो जा रही। अभी मेरी रैंक 941 है जनरल कैटेगरी बीएससी नर्सिंग में। बच्चे बहुत ज़्यादा रैंक है आपकी, EWS 35 बहुत ज़्यादा रैंक है। पूजा दी, अगर हल्द्वानी फर्स्ट में मिल जाए तो सेकंड काउंसलिंग में देहरादून क्या ट्राई करूँ? ऑफकोर्स ट्राई करूँ, देहरादून बेटर है हल्द्वानी से। दी काउंसलिंग कब तक होगी प्लीज़ टेल दी। दी बच्चे काउंसलिंग की ना अभी ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर आप लोग क्रोम ब्राउजर पर HNBU डालते हो ना वहाँ पर वो लोग काउंसलिंग का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, तो मैं आपको अभी क्या बताऊँ? यहाँ से मैंने बोल दिया हो जाएगी नहीं हुई तो
दी गुड इवनिंग, मैं एस सी कैटेगरी से हूँ, बी एस सी नर्सिंग, 48 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, प्रमोद कुमार आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अनमोल दी जी एन एम में 1410 रैंक, एस सी कैटेगरी मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं प्रीति, मैं श्योर नहीं हूँ। दी मेरी 117 रैंक है, देहरादून कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, सेकेंड और थर्ड में मिल सकता है। दी मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पता नहीं चला, प्लीज़ बता दो जी। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देहरादून पे है। और काजल दी रैंक 386 एनएम में एससी कैटेगरी, क्या मुझे मिल जाएगा? काजल कांग्रेस दी, हल्द्वानी बेटर है क्या? टिहरी, हल्द्वानी बहुत बेटर है, टिहरी में कुछ नहीं है। 478 जनरल ईडब्ल्यू एस तो मिल जाएगा, होमो जो भी है ये। दी मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पता चल पता, मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप बिल्कुल चिंता मत करिए इस चीज़ का। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कितना होने वाला है और आपको कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। डोंट वरी, वन मिनट। हाँ मैं दी, मेरे को मिल जाएगा क्या 1700 रैंक ओबीसी में? सृष्टि बहुत ज़्यादा रैंक है, ट्राई करो बच्चे, सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है मिल जाए। 490 रैंक जनरल कैटेगरी जीएनएम, बच्चे बहुत रैंक है, ईडब्ल्यूएस से तो चांसेस हैं। महिमा दी मुझे ना सेमी गवर्नमेंट, मैं बता दूंगी दी, बीएससी नर्सिंग जनरल मिल जाएगा। रेखा दी आईएनसी ने सीट मैट्रिक्स भेज दी है सबको, भेज दिया, इसकी कोई नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, बट ठीक है अगर आप बोले तो मैं एक बार जरूर चेक करूँगी। तो काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है? काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही है ना, पहले अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है काउंसलिंग की, शायद फर्स्ट ईयर के एग्जाम जब कंडक्ट होंगे तो उसके बाद चांसेज हैं। पैरामेडिकल में सेफ रैंक क्या है जनरल कैटेगरी के लिए? 160 समथिंग सीट्स हैं, अगर आपकी रैंक अंडर 200 आती है, जनरल भी हो आप 180-150 समथिंग, तो थोड़े चांसेस हैं होने के, तो अंडर 100 वालों का तो ईजिली हो जाएगा। मेरी एपी गेमिंग आपको चांसेस हैं मिलने के, बट वही है ना, आप लोग काउंसलिंग करवाते रहिए, सारी काउंसलिंग करवाइए, तो हो सकता है कि आपको मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। काउंसलिंग कोई भी स्किप मत कीजिए, समझ में, अगर आपकी रैंक अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक अच्छी है तो काउंसलिंग सारी करवाइए, डेफिनेटली आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपको बहुत खुशी होगी जब मिलेगा। प्रिया राणा रैंक 80, प्रिया राणा कॉलेज मिल जाएगा। दी मेरा जी एन एम में 860 रैंक है, एस सी कैटेगरी। दिशा रैंक आपकी बहुत ज़्यादा है, बट आप कह रहे हो आपकी एस सी कैटेगरी, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों काउंसलिंग करवाओ, कोई ना कोई काउंसलिंग में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। डोंट वरी एंड कांग्रेस दी कौन सा सृष्टि बहुत ज़्यादा रैंक है बच्चे, सारी काउंसलिंग करवाओ, कोई सीट लेफ्ट करेगा तो आपको हो सकता है मिल जाए। दी मेरे 313 रैंक है जनरल कैटेगरी बी एस सी नर्सिंग में, टिहरी मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है दी, मुझे देहरादून और हल्द्वानी को फर्स्ट में रखना चाहिए या फिर टिहरी को? टिहरी में कुछ नहीं है यार, टिहरी क्यों जाना है आपको दीदी? क्या है टिहरी में, घर है क्या आपका? प्रैक्टिकल जीरो है वहाँ का, समझ रहे हो? दी 48 मार्क्स एस सी बी एस सी नर्सिंग मिल जाएगा यार, डोंट वरी। कांग्रेस फॉर 1K, थैंक यू सलोनी। दी मेरे को कॉलेज मिलने का क्या? 300 रैंक आई है मेरी ओबीसी, मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करवाओ और चांसेस हैं मिलने के, क्योंकि बी एस सी नर्सिंग की सीट्स मतलब बढ़ सकती हैं। ठीक है दी, मुझे कौन सा कॉलेज में मिलेगा? जी एन एम 90 रैंक मिल जाएगा, अच्छी रैंक है कांग्रेस जीएनएम जो भी है ये, केशव। प्रीति दी मेरा नेट नहीं चल रहा था, प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। 1710 रैंक है, मैं जीएनएम बहुत ज़्यादा रैंक है और चांसेस हैं मिलने के, मैं श्योर नहीं कह सकती कि आपको मिलेगा ही, सारी काउंसलिंग करवाइए प्रीति, हो सकता है मिल जाए। जनरल कैटेगरी से डोमिसाइल उत्तराखंड, नर्सिंग में मिलेगा, बहुत ज़्यादा रैंक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है जनरल वालों के पास और उनकी रैंक 400 से ऊपर जाते हैं तो उनके थोड़ी डिफिकल्टीज़ बढ़ जाती हैं, बट डोंट लूज योर होप, सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है मिल जाए। दीदी बुक्स और ड्रेसेस, ओह सॉरी फिर से एक बार करना, मैं ट्राई करूँगी ठीक है पढ़ने का। दी बुक्स और ड्रेसेस का क्या होता है कॉलेज में, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, पहले आप लोग काउंसलिंग होने दो ठीक है। काउंसलिंग होगी उसके बाद ड्रेसेस सारे मतलब कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे पुरानी, जिसे मैंने व्लॉग बना रखे हैं, तो हमारा पर्पल सूट एंड ब्लू रंग का वो है वो ठीक है। और यहाँ पिथौरागढ़ में पीच कलर का सूट है और कहीं पर पैंट चलने लग गई है, तो या थैंक यू योर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। 709 रैंक में फीमेल एएनएम में कॉलेज मिल जाएगा, क्या कैटेगरी है? सुभाष, एससी कैटेगरी है तो चांसेस हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम। मैं जेएनएम में दूसरे रैंक है, ओबीसी कॉलेज वीके बॉयज स्टेटस, चांसेस हैं मिलने के, बच्चे अच्छी रैंक है, सारी काउंसलिंग करवाओ। जी एएनएम जनरल माई रैंक 90 मिल जाएगा, 90 रैंक वालों को एएनएम में बहुत अच्छी रैंक है कांग्रेस। रीता बर्दी बीएससी नर्सिंग में सीट कितनी है प्रीवियस ईयर की? अगली बार 352 समथिंग थी ठीक है, इस बार बढ़ गई हैं।
अगली बार जो सीट्स थी वो 352 समथिंग थी, इस बार सीट्स बढ़ गई हैं, तो चांसेस हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। होप फॉर द बेस्ट, सारे लोग काउंसलिंग करो। इसलिए मैं काउंसलिंग, पता है मैं क्यों काउंसलिंग पे इतनी वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं आपको ना मोटिवेट करना चाहती हूँ काउंसलिंग के लिए कि आप लोग काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं। मैम जी एन एम में थी 50 मार्क्स 151 मिल जाएगा जनरल कैटेगरी। देहरादून कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, सेकेंड और थर्ड में मिल जाएगा। काउंसलिंग नवंबर में होगी, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बोल रहे हैं दिवाली के बाद हो सकती है, टाइम लग सकता है। मैं ना यहाँ तो श्योर क्यों नहीं हो रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ या नवंबर से होगी अक्टूबर के बाद से होगी, क्योंकि एक बार अगर मैंने आपको ऐसा दे देना तो आप लोग होप कर लोगे कि यार अब दीदी ने बोला है तो अभी होगी। तो जब तक कोई सही से नोटिफिकेशन नहीं होता तो मैं किसी को झूठी होप्स नहीं देना चाहती। दी 108 कैटेगरी से आरती, मतलब चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली सेकंड थर्ड या मॉपअप राउंड में मिल जाएगा, तो सारी काउंसलिंग करवाओ। SC कौन सा कॉलेज मिलेगा, रैंक फीमेल, सुभाष कुमार किस पे चाहिए। प्रिया दी ऐसा भी हो सकता है क्या, 50 से कम वालों की काउंसलिंग ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, काउंसलिंग सबकी होती है, वो आपके हाथ में। मैम पैरामेडिकल में कितनी सीट्स, पैरामेडिकल की सीट्स बनेंगी फिलहाल 160 समथिंग सीट्स है पैरामेडिकल में। टिहरी कॉलेज कैसा है, सही है बट ज़्यादा अच्छा देहरादून और हल्द्वानी है। मैम BSc नर्सिंग रैंक 73 OBC चांसेस है मिलने के, बट आप सारी काउंसलिंग करवाओ, और या सारी काउंसलिंग करवाओ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि सीट्स बढ़ रही हैं। ओके सुभाष कुमार ANM की सीट्स पूरे उत्तराखंड में 150 समथिंग है, अगर बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी, चलो माने 200 में बहुत बोल दे रही हूँ, 180 170, ठीक है कितनी बढ़ेगी, तो या काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है। दी थैंक यू फॉर गेट माइंड प्लेजर सलोनी। वैभव यू लुक ब्यूटिफुल, थैंक यू वैभव, आप भी अच्छे हो। या सारी काउंसलिंग करवाओ यार, हो सकता है मिल जाए। यू ठीक है प्रिया, 8 8 14 SC कैटेगरी कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिल जाएगा आपको, सारी काउंसलिंग करवाओ, मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। होप्स नहीं लूज करनी है बच्चों, फर्स्ट में माना अगर आपको गंदा, मेरी वॉच भी ना बार बार, फर्स्ट में अगर माना कुछ गंदा कॉलेज मिले तो सेकेंड और थर्ड करो, फ्री में होती है, ठीक है। VK बस, थैंक यू मैम, ओके वेलकम बच्चे। दीपक GNM में 246 रैंक, SC गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इजीली मिलेगा कांग्रेस। मैम माई मार्क इज 47 रैंक 1 SC कॉलेज, जो कॉलेज चाहोगे वो मिलेगा संदीप कांग्रेस, ठीक है। आई लव यू मैम, कीप साइनिंग, थैंक यू। जो कॉलेज चाहते वो मिलेगा। दी 940 रैंक में मिलेगा कॉलेज, जनरल कैटेगरी बहुत ज़्यादा रैंक है, EWS सर्टिफिकेट है, ब्लमिंग गेमर तभी चांसेस हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रैंक है, मैं झूठी होप्स नहीं दूंगी। थैंक यू मैम, आपने इंस्टा में रिप्लाई करके मुझे हौसला दिया, कोई नहीं मैं ऐसे रिप्लाई करते रहूँगी ईशु रावत, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। दी पिथौरागढ़ कॉलेज कैसा है, पिथौरागढ़ कॉलेज मैं पिथौरागढ़ में ही हूँ, प्रैक्टिकल सही है बट हल्द्वानी और देहरादून ज़्यादा अच्छा नहीं है, या हल्द्वानी देहरादून बेस्ट है। ओके PWD कैन डू GNM, दी PWD, यार PWD कैन डू GNM, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप संतोष। GNM में 246 रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ऐसे ऑफकोर्स मिलेगा यार, कांग्रेस अच्छी रैंक है, क्यों चिंता कर रहे हो। मैम 51 रैंक BSc नर्सिंग, टॉपर हो यार आप, यार दीक्षा क्या कर रहे हो, 51 रैंक में यार सारे कॉलेज तो आपको मिलेंगे। मैम 469 जनरल में BSc नर्सिंग काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट में, मानसी EWS सर्टिफिकेट है बच्चे आपके पास। दी पौड़ी वाला कॉलेज कैसा, सही है, हिल एरिया में सारे कॉलेज की कंडीशन सेम ही है, क्यों नहीं कर सकते हैं यार, हैंडीकैप लोगों के लिए ना जो सीट्स होती हैं वो पहले से रिजर्व होती हैं, समझ रहे हो, तो आप लोग कर सकते हैं और आपको थोड़ा कोटा भी मिलेगा, अगर आप लोग लिस्ट देखोगे ना तो उसमें रिजर्व रहती है सीट, समझ रहे हो। मैं सब क्या पूछ रहा हूँ मैं समझ नहीं पा, अरे दीदी रैंक 4 है GNM में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 4 मैं समझी नहीं, 4 रैंक है यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। दी मेरी रैंक 38 है जनरल में, काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डोंट लूज योर होप्स, हो सकता है कोई सीट लेफ्ट करे तो आपको मिल जाए। BSc नर्सिंग में कितनी सीट्स बढ़ेंगी, हो सकता है 380 या 400 तक चली जाएँ, बट मैं भी श्योर नहीं हुआ तो बिल्कुल मन में मत बैठा लेना। EWS नेहा बिस, EWS में भी उसको फायदा मिला जिनके रैंक 500 400 या 600, आपके रैंक बहुत ज़्यादा है। पौड़ी में 2 कॉलेज हैं क्या, नहीं एक ही है, 140 सीट्स में क्या मिलेगा GNM, SC मिल जाएगा, दीपक को मिल जाएगा। मैम पैरामेडिकल में ज़्यादा, नो मैम EWS सर्टिफिकेट नहीं है,
ठीक है मिल बच्चे डोंट लूज योर होप, सारी काउंसलिंग करो, हो सकता है कि आपको कच्चा कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में हल्द्वानी मिलेगा, एक्स सी रंग ओबीसी मिल जाएगा, फर्स्ट में नहीं मिलेगा तो सेकंड और थर्ड करवाओ, स्किप मत करना कोई भी काउंसलिंग, ठीक है। मेरी रैंक 4 है दी, 4 रैंक है क्या? अगर आपकी रैंक 4 है ना तो आपको तो कोई भी कॉलेज मिलेगा, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 4 रैंक है, समझ रहे हो गरिमा दीदी, 756 रैंक है, JNM में SC कैटेगरी से हूँ, चांसेस हैं मिलने के सीट्स का मैं इसकी, बट आप सारी काउंसलिंग करो गरिमा, हो सकता है मिलती। मैंने फॉर्म के टाइम क्यों नहीं लगाया सर्टिफिकेट संतोष, और ये अभी जब काउंसलिंग होगी तो तब लगाना, फॉर्म के टाइम नहीं लगाया तो काउंसलिंग के टाइम लगाना, समझ रहे हो दी। देहरादून मिल जाएगा, EWS में मोपक राउंड में भी नहीं मिल सकता। जिनकी अंडर 400 है जनरल वालों, आप लोग काउंसलिंग करवाओ, रिस्क मत लो, सीट्स बढ़ेंगी तो आपको भी कॉलेज मिल सकता है यार, समझ रहे हो। मैम माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? बिकॉज मेरी स्कूल से नहीं मिला, TC तो मिली होगी, माइग्रेशन है जो TC से काम चल जाएगा अंजलि, डोंट वरी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है दी। BSc नर्सिंग में 101,204 है। SC आरती सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है आपको सेकेंड या थर्ड में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, बिकॉज आपके पास SC कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट है तो हो सकता है आपको कॉलेज मिले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मिला है। 51 रैंक BSc इजिली मिल जाएगा। दीक्षा बहुत अच्छी रैंक है, कांग्रेस बच्ची। मैम पैरामेडिकल में 10 और 12 के बेसिस में भी कॉलेज मिलता है, ऐसे किसने बोला, इशू ऐसा नहीं होता, एंट्रेंस जो निकाला उसके बेसिस पे मिलता है दी। अगर मुझे हल्द्वानी के अलावा अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो मैं क्या करूँ दी? फर्स्ट काउंसलिंग उसमें एडमिशन ले लो, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग फिर से करवाओ, अच्छा कॉलेज मिलता है तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे ईजिली और कोई फीस नहीं लगने वाली है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज मिल रहा है बिना सोचे समझे उसमें एडमिशन करा लो, अदर वो सीट भी किसी और को मिल जाएगी, फिर सेकंड और थर्ड में काउंसलिंग करवाना, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। संतोष मिल जाएगा बट सर्टिफिकेट लगाना संतोष। कुछ नहीं होता यार, जो भी आपका नाम है WHIE हिमांशु रामोल। अरे दी यार इतना लेट क्यों हो रहा है? प्राइवेट वालों के भी अलग ही पता नहीं दी, काउंसलिंग में क्वेश्चन पूछते जाता है क्या करना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते काउंसलिंग में, कौन बोला गलत गलत चीज़ें, कौन बता रहा तुमको ये दी। A184 SC प्रिया मिल जाएगा सारी काउंसलिंग करो, निर्मला मिल जाएगा, SC सुशील मिल जाएगा सारी काउंसलिंग करवाओ। एडमिशन के बाद काउंसलिंग क्यों नहीं करा सकते हो? सेकेंड और थर्ड करवा सकते हो, फर्स्ट में एडमिशन लेने के बाद नहीं, हल्द्वानी नहीं मिलेगा इसने यार, सेकेंड या थर्ड में मिल सकता है, पहले आपको अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ मिलेगा। EWS सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पर ही लगता है स्वरिया, उसमें 10th होने के भी तो सर्टिफिकेट लगते हैं ना, काउंसलिंग में 10th और 12th की परसेंटेज पूछी जाती है आपसे, हाँ 10th और 12th के सर्टिफिकेट स्कैन होकर काउंसलिंग के टाइम पर लगता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनको लेकर जाना, भूलना मत, न तो थप्पड़ खाओगे, इतना बता रखा है मैंने सबको, इतना सारा बता रखा है दी। मेरा 527 रैंक है, DPW सर्टिफिकेट है, मिल जाएगा क्या? DPW सर्टिफिकेट वालों को थोड़ा सा कोटा मिलता है, इतना नहीं मिलता है, बट ठीक है आपकी रैंक थोड़ी सही है तो आप सारी काउंसलिंग करो, हो सकता है आपको मिल जाए। एक तो इतनी जल्दी ये मुझे दीपक मिल जाएगा, आप इंस्टा पे हो, हाँ हिमानी जोशी सर्च करो दी, 35 नंबर में भी मिलेगा। EWS वालों को बहुत ज़्यादा रैंक है, सारी काउंसलिंग करवाओ दी। आप टायर्ड हो गए हो हमारे लिए इतना बोलते हो, कोई नहीं दी। फीस कितनी है GNM में? 50,000 से कम ओवरऑल, सरकारी में मजे यार, कोई फीस नहीं होती इतनी दी। GNM में 1,500 तक रैंक वालों को काउंसलिंग करानी चाहिए, SC ST कैटेगरी तब करो, जनरल वाले मत कराओ, नहीं मिलेगा। 400 राधिका राणा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट सारी काउंसलिंग कराओ। OBC EWS संतोष उससे बोलो काउंसलिंग करो, मिल सकता है, फर्स्ट राउंड में मिलेगा कॉलेज, उसे चले फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा, लेकिन हल्द्वानी देहरादून नहीं, थोड़े दूर दूर के। EWS सर्टिफिकेट क्या होता है दीदी? मतलब गरीबी रेखा से नीचे ऐसा कुछ होता है, ये जिसके पास ये होता है उनकी इनकम थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है ये EWS सर्टिफिकेट। हाँ संतोष से बोलो काउंसलिंग करवाओ, 240 रैंक वाले काउंसलिंग करवाओ यार, 117 में नहीं मिलेगा बट सेकंड थर्ड में मिलेगा। मेरी तो रैंक 4 है JNM में कांग्रेस, अच्छा कॉलेज मिलेगा जो आप चाहते हो। नेहा 20 चांसेस कम है, ठीक है दीदी। TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फोटोज कॉपी चले, क्यों चलेगी यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाते हैं। पिथौरागढ़ का कॉलेज कैसा है? ओवरऑल अच्छा कॉलेज है, आपको यहाँ पे कोई फैकल्टी टीचर्स वगैरह इतना अच्छा पढ़ाने वाला कोई माहौल नहीं मिलेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे ठीक ठीक है।
185 रैंक वालों को मिल जाएगा, कांग्रेस बहुत अच्छी रैंक है। दी मेल नर्सेज का क्या स्कोप है? मैं क्यों नहीं, अच्छा खासा स्कोप है, नर्सेज निकालो, सब कुछ निकालो। दी 349 रैंक EWS कैटेगरी मिल जाएगा। 337 रैंक पैरामेडिकल में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? ये गढ़वाल साइड। दी आपकी रैंक कितनी थी? मेरी रैंक थी 190 समथिंग। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते। कोई नहीं यार, आप जो बोलोगे वो करेंगे, मिल जाएगा संतोष। सारी काउंसलिंग करवाओ यार, ऐसे सैड मत हो, मैं तो इतना मोटिवेट कर रही हूँ, आप लोग क्यों सैड हो रहे हो? 246 रैंक वालों को मिल जाएगा। हाँ सीट बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। 471 रैंक होमो जो भी आपका नाम है EWS मिल जाएगा। मैंने खुद पढ़ा है, सब पढ़ाते हैं अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं कि टीचर्स बिल्कुल नहीं है। 48 SC नर्सिंग मिल जाएगा। श्रीनगर कौन बोला यार, श्रीनगर का कॉलेज पैरामेडिकल में नर्सिंग का कुछ नहीं है वहाँ। राधिका राणा सारी काउंसलिंग कराओ, चांसेस हैं। ठीक है राधिका, सारी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं, मोटिवेटेड हो जाओ, सारी काउंसलिंग करा दी। गढ़वाल में दून को छोड़ के कौन सा कॉलेज बेस्ट है? कोई भी नहीं यार, मुझे 190 में हल्द्वानी कॉलेज मिल जाता ना, उस टाइम मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाला था नहीं। मैंने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई, मुझे पिथौरागढ़ कॉलेज मिला और मैं इतनी खुश होगी, मैंने गवर्नमेंट सीट निकाल दी, मैं क्या बताऊँ। और उसी में मैं करते रह गई यार, वही ना, मैं पिथौरागढ़ इसलिए आई, मैंने सेकंड और थर्ड काउंसलिंग नहीं कराई, मुझे कोई बताने वाला नहीं था आप लोगों की तरह कि बच्चों कराओ कराओ कराओ। उस टाइम नया नया खुला था उत्तराखंड में, मैं गई, पिथौरागढ़ मिला, खुश हो गई। 3 साल मैंने हल्द्वानी पढ़ा, सुशीला तिवारी में ट्रेनिंग की है, 4th ईयर में पिथौरागढ़ आई हूँ। संतोष सारे काउंसलिंग कराओ, अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा ना, तो मेरे से मत बोलना कि दीने नहीं बोला था। काउंसलिंग करवाने में क्या हो रहा है यार आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब काउंसलिंग कराओ, एम्स दिल्ली सुना, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगती है, पैसा ही पैसा। BSc की TC और माइग्रेशन चलेगा क्या GNM एडमिशन में? हाँ, जो आपने करा वो कॉलेज का ही चलेगा, अगर स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपने कॉलेज करा है तो फिर वहीं का चलेगा। देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्कूल के भी रखो, अगर कॉलेज कर रहे हो कॉलेज के भी रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखो, फिर जहाँ के भी लगेंगे वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखो। मैं BSc नर्सिंग के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट से सोच रही हूँ MBA कर लूँ, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छे से कोचिंग लूँ और वो करूँ। दी SC मार्क्स 48 SC हल्द्वानी मिलेगा। यार 48 मार्क्स तो बहुत सारे के होंगे ना, आप मुझे रैंक बताओगे तो मुझे थोड़ा ईजी रहेगा कि मैं आपको बता सकूँ फटाफट। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ एडमिशन लूँ या नहीं। कृष्णा कहाँ एडमिशन लेना है बच्चे, क्या हो गया, क्यों कन्फ्यूज हो, बताओ यहाँ। ठीक है मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी, आपने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। मैं DM बहुत कम देखती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना तो एकदम से हाईलाइट हो गया, आपके मैसेज उसमें आ जाएंगे DM, लेकिन आपको अगले मैं DM चेक कर लूंगी। ओके दी, अगर हमें 500 में कॉलेज नहीं मिला तो क्या पता मिल जाए। नेगेटिव क्यों सोच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जनरल कैटेगरी वालों अंडर 400 जिनकी भी रैंक है प्लीज़ काउंसलिंग करवाओ। EWS सर्टिफिकेट है तो हल्द्वानी देहरादून जो चाहोगे वो मिलेगा, EWS नहीं है फिर भी करवाओ, क्या पता कोई स्टूडेंट सीट लेफ्ट करे वो आपको मिल जाए। 340 रैंक SC में हल्द्वानी पक्का, सेकेंड या थर्ड में तब भी मिल जाएगा पक्का। दी GNM की काउंसलिंग कब से है? सबकी एक ही साथ होगी। मेरी इंस्टा की ID है हिमानी जोशी, अगर मैं उससे भी नहीं मिली तो मैंने अतरंगी नाम रखा है ऑफिशियल चेक करके, आप लोग मुझे उससे ना ईजिली ढूंढ सकते हो। मैंने इसलिए रखा क्योंकि हिमानी जोशी इतने सारे लोगों में मिलती ही नहीं हूँ किसी को। ग्रीन कलर की साड़ी में मेरी DP होगी, अब इतनी मैंने हेल्प कर दी, वहाँ पर जाओ मुझसे मैसेज करो, जो जो पूछना है पूछो। दी वैसे SC ST की कितनी परसेंट सीट है? ST की कितनी परसेंट सीट है मुझे अभी ना थोड़ा हल्का हल्का पता बताऊं या फिर अच्छे से बताऊं? चलो अच्छे से बताऊंगी एक बार पता करके, ठीक है। हाँ इसु पक्का कल बताऊंगी। 548 SC कैटेगरी GNM में कॉलेज मिलेगा, मिल सकता है, सारी काउंसलिंग करवाओ। 48 मार्क्स यार रैंक बताओ यार, 48 मार्क्स में ऐसे कैसे बताऊं आप लोगों को, है ना, थोड़ा रैंक बताओगे मुझे के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। मिल जाएगा, विजिट पहाड़ आपके पास EWS है, आपकी रैंक इतनी अच्छी है, क्यों परेशान हो रहे हो यार, मिल जाएगा।
देहरादून क्यों नहीं पॉसिबल है, अदिति एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, मिल जाएगा। हरिद्वार में, हरिद्वार का मुझे पता नहीं, हल्द्वानी में तो बॉयज़ हॉस्टल बहुत अच्छा, बच्चे बहुत मज़े से रहते हैं। ओके दी, अगर बीएससी नर्सिंग के साथ में नीट की प्रिपरेशन करूँ तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बच्चे करते हैं यहाँ पर। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बच्चे नीट की प्रिपरेशन भी करते हैं, हो जाएगा। सारे कॉलेज में हॉस्टल, गर्ल्स के लिए सारे कॉलेज में हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए नहीं है, कुछ कुछ में। हाँ, फ्रीडम DPW उन्हीं के लिए होता है, फ्रीडम फाइटर वाला। महिमा, हेलो मैम। हाय महिमा, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे? मुझे समझ नहीं आ रहा है श्रीनगर वाला कौन है, कोर्स का नाम भी बताओ। DPW जो वो होता है ना, आर्मी वालों से रिलेटेड कुछ कोटा मिलता है, बट वो ज़्यादा नहीं मिलता है, मैं पहले ही बता दूँ। उसके लिए आपके रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि रैंक 2-3 हज़ार है और DPW लेकर सोच रहे हो कि हमें इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। थोड़ी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। हल्द्वानी में तो है, देहरादून का मैं पता करके बताऊंगी। सीमा, हाय दी, कैसे हो? अंकिता, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बॉयज़ का यार मैं बताऊँ, मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूँ, ये WHI, क्या आपका नाम है, GNM से? अच्छा, BSc नर्सिंग है। GNM करने के बाद सारे बच्चे BSc नर्सिंग पोस्ट, बेसिक BSc नर्सिंग करते ही हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 150 समथिंग सीट्स हैं, तो वही अंडर 200 है जनरल वालों के लिए स्कोप, ANM GNM दोनों में। अगर उससे ज़्यादा रैंक होगी तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाने वाला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, आपको पता है ना, हर जगह थोड़ा थोड़ा सीट सबके लिए रिजर्व है जनरल वालों के लिए। तभी EWS सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर आपका थोड़ा इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है तो आप जाके उसको बनवाओ, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। बट सही है, अब जिनके पास नहीं है मैं उनसे नहीं बोलूँगी, जाओ 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 बनाओ, बट जो बनवा सकते हैं अभी भी तहसील से बनवा लो, काउंसलिंग में टाइम है। कृष्णा, ओके दी, बाय, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बच्चे, माइंड प्लेजर, जो भी पूछना हो कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हो। दीक्षा मैम, यू आर सो क्यूट, दीक्षा आप भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैं OT कोर्स मिल जाएगा यार, ऑपरेशन थिएटर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आपको मिल जाएगा। पैरामेडिकल में ऑप्टोमेट्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मैं पहले बता दूँ, जो आईज वाला होता है उसके लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हो। यहाँ किसी का आंसर नहीं मिले तो इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो मेरे से कुछ भी, ठीक है यार। ऐसा होता है ना, आजकल मेरा ये 4th ईयर, मेरा फाइनल ईयर है, तो मैं भी अपना थोड़ा सोच लूँ कि इसके बाद मुझे अच्छी खासी जॉब लग जाए, तो मैं उस पर थोड़ा अपने में बिजी रहती हूँ। बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके रिप्लाईज करने की कोशिश करती हूँ, अगर किसी के रिप्लाई छूट जाते हैं तो प्लीज़ बुरा बिल्कुल हर्ट मत होना, क्योंकि सोचना दीदी बिजी है, बट मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। सौरभ है दीदी मेरा, सॉरी सौरभ, सौरभ ठीक है, हम याद रखूँगी। दी अभी बना सकते हैं EWS, हाँ बना सकते हैं। सीमा थे, अगर आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, ओके बच्चा, मुझे बहुत खुशी हो रही है जब आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं तो मुझे। EWS सर्टिफिकेट बना सकते हो तो मैं तो बोलूँगी फटाफट जाओ भागो बनाओ, काउंसलिंग से पहले पहले करवाओ, बन जाएगा तो किस्मत खुल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लाखों कॉलेज, लाखों के पैसे आपके बच जाएंगे, लाखों। प्राइवेट में अगर ये BSc नर्सिंग पैरामेडिकल करने चले गए ना, इतना पैसा खर्च होगा, थक जाओगे पैसे दे देते, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट से करते तो मम्मी पापा गर्व से बोलेंगे, प्राउड फील करेंगे, भाई हमारी लड़की ने निकाला है। सोच लो गवर्नमेंट की पावर, गवर्नमेंट होते होते ना, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज। या काउंसलिंग कब तक होगी, कोई आइडिया? हो सकता है अक्टूबर 1 तक हो जाए, सितंबर लास्ट, कोई कह रहा है दिवाली के बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, सबके अलग 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 हो रहे हैं। हाँ GNM के बाद ही नहीं, अगर आप GNM तो मे बी आर्ट से भी हो जाता है, या फिर आप साइंस कंपलसरी कर दिया है इसके लिए, मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दूंगी, ठीक है। स्नेहा मिल जाएगा बच्चे, हाँ है ना। अरे यार आप पैरामेडिकल की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे BSc नर्सिंग सोच रही हूँ, क्यों नहीं है, मैंने बता रखा है, क्यों नहीं है। हाँ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज है यार, नर्सिंग का तो एंट्रेंस अलग हो रखा है शायद इस बार, उत्तराखंड में तो नर्सिंग का एंट्रेंस अलग है, उसकी रैंक अलग आई है, उसकी सीट मैट्रिक्स अलग है और नीट की अलग है।
मेरी 60 रैंक है प्राची, अच्छी रैंक है यार। कांग्रेस, आपको तो देहरादून का जो कॉलेज चाहोगे प्राची वो मिलेगा यार, तो पूछने की बात ही नहीं है। आपको पूछना चाहिए दी मैं कौन सा कॉलेज डालूँ, ये बताओ कितने लोग मुझे कॉलेज देंगे। सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जेएनएम में 44। रश्मि मुझे रैंक बताओ फटाफट। बीएसएफ में आपके पापा हैं, डीपीडब्ल्यू लगेगा, लगना तो चाहिए। मैं इसके रिगार्डिंग पूरी 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 इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दूंगी, प्रॉमिस। जितने भी ये सब क्वेश्चंस हैं, एक बार ना आप लोग सारे क्वेश्चन ना मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ लीजिए, मुझे याद रहेगा तो मैं सारे के एक वो बना लूंगी, है ना। 289 रैंक में मिल जाएगा, चांसेस है मिलेगा, अच्छी रैंक है। कांग्रेस सारी काउंसलिंग करवाओ। 165 जिसकी रैंक है राखी, अच्छी रैंक है, आपने मेहनत करी है, अच्छी रैंक है। तीनों काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। सुगर बू एडिट्स क्या बताना है, बीच बीच में मुझे कंपनी वाले बहुत कॉल कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए जो रिकनेक्ट हो जा रहा है। हाँ यार सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, हिमानी जोशी ऑफिशियल चिक मेरी आईडी है। वहाँ पर मैं आस्क मी एनीथिंग करके एक स्टोरी लगाऊंगी, वहाँ पर आप मेरे से सारे क्वेश्चन करिएगा, उनका जवाब मैं आपको अच्छे से दूंगी, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। दी चार रैंक है जीएनएम में, सौरभ जीएनएम में इतनी अच्छी रैंक है। देहरादून का कॉलेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है, देहरादून का कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, पैरामेडिकल के लिए, देहरादून देहरादून देहरादून, मैं हर किसी से यही बोलती हूँ, बिकॉज देहरादून सच में बहुत अच्छा है यार, बड़ी जगह, नई चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। माइग्रेशन या टीसी में से एक चीज़ लगता है, इतना मुझे जहाँ तक है नॉलेज है, बाकी मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको पक्का बताऊंगी। उत्तराखंड झलक भाई प्रेम सिंह रावत 362 रैंक है, जनरल कैटेगरी है, चांसेस हैं, आप उनकी सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है उन्हें मिल जाए। रैंक के बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, रैंक के बेसिस पे। राधिका राणा आईडी नहीं मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है यार, मैंने ना अपनी आईडी, अच्छा मैं अभी अपनी आईडी ना एक पोस्ट करती हूँ, ठीक है, मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट करने वाली हूँ और उसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करने वाली हूँ, सारे बच्चे मुझे वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं सौरभ आपको पक्का इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूंगी, मैं आपको, ठीक है, मैं सबका इंस्टा पे रिप्लाई कर दूंगी। और अभी मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम, यार मैंने ना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करना छोड़ दिया है, यहाँ पे मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट करने वाली हूँ, सारे स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, उसमें इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करूँगी, वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, इससे आपको मैं ईजिली मिल जाऊंगी। हिमानी जैसे प्राची बिज, थैंक यू दी, माइंड प्लेजर बच्चे। 10 रैंक में पैरामेडिकल है, जो भी जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा उनके नेफ्यू की रैंक, यार कैसे क्वेश्चन करें उनको, तो ऐसे ऐसे कॉलेज 10 रैंक में कैसे कॉलेज नहीं मिलेगा यार उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसको तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे। मैं पक्का कम्युनिटी पोस्ट करने वाली हूँ। डांसिंग हर्षी कोई कैटेगरी है आपकी मुझे बताओ। कुसुम आपको मिल जाएगा, आपकी 130 रैंक अच्छी है, ऊपर से आपके पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा, आप काउंसलिंग करवाओ, ठीक है, समझ रहे हो। ओके थैंक यू, वेलकम। कर दे, और लोग भी आएंगे प्लीज। ये रोटी तो रख दूंगी इसी में, टिफिन कहाँ है मेरा, मैं डोर क्लोज कर देना। हाँ ठीक है, हाँ मैं हॉस्टल में, ये पिथौरागढ़ का ही हॉस्टल है, ये जो आप देख रहे हो ना पीछे येलो येलो रूम, हाँ ये पिथौरागढ़ का ही है, जहाँ पे
जहाँ पे प्रैक्टिकल आपको पिथौरागढ़ पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो यार मुझे ना बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे 1000 कंप्लीट हो गए। तो सब लोग या मैम आ रही हूँ ना हॉस्टल, या 40 रैंक में कितना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा कुसुम। 280 रैंक में जनरल जीएनएम में हरिद्वार कॉलेज मिलेगा। सारी काउंसलिंग करवाओ, चांसेस हैं मिलने के। बहुत ज़्यादा रैंक है डांसिंग हर्षी आपकी ओबीसी कैटेगरी में, बट सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए क्योंकि सीट्स बढ़ने वाली हैं। ओके 101 रैंक में मिल जाएगा जनरल कैटेगरी, क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, बट हो सकता है आपको ये लोग आस्था अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ दे दें, कोई नहीं। जहां आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा चुपचाप जाके एडमिशन ले लेना, ये नहीं करना कि एडमिशन नहीं लेना है, फिर सेकंड और थर्ड काउंसलिंग करवाना, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 446 रैंक बहुत ज़्यादा है, कोई सर्टिफिकेट है तो बताओ। कुछ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट पापा का वो जो होता नहीं क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र हिंदी में, वो चाहिए AWS के लिए। डांसिंग, अच्छा थैंक यू जी, बच्चे वेलकम। सुरेश चंद्र मिल जाएगा पैरामेडिकल में, बट सारी काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है मिल जाए। काउंसलिंग अपडेट दे दीजिएगा प्लीज़। यार मैं खुद पता है वो यूनिवर्सिटी में रोज़ फ़ोन कर करके उनसे, कभी मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, कभी कोई एक उठाता है तो वो भी डांट देता है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पता चल जाएगा हम लोग पोस्ट कर देंगे ये वो, बट ठीक है मैं तब भी आपके लिए पूछूंगी। जनरल कैटेगरी में जिनकी अंडर 200 है उनको गवर्नमेंट, उनको देहरादून कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ टिहरी मिलेगा। देहरादून बेस्ट है पैरामेडिकल के लिए, हल्द्वानी भी बेस्ट है, बट देहरादून को प्रायोरिटी दीजिए। देहरादून नहीं मिलता तो हल्द्वानी आ जाइए, सुशील तिवारी में आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे। सुरेश चंद्र वेलकम, सुरेश चंद्र जी बिना माइग्रेशन के हो जाएगा एडमिशन, TC होनी चाहिए। मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके दूंगी, मे बी माइग्रेशन या TC में से एक चीज़ चाहिए ज़रूरी, ओरिजिनल, ठीक है, तो आपके पास मे बी वो चीज़ होगा। मैम मेरी GNM में 34 रैंक है, देहरादून मिलेगा क्या OBC से? 34 रैंक है देहरादून के कोई भी कॉलेज मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी रैंक है और ऊपर से पूछ रहे हो मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, चिंता मत करो, समझ रहे हो। सारी काउंसलिंग करवाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों काउंसलिंग करवाओ, सबको हो सकता है सबको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए और मैं यहाँ पर हूँ अपने डाउट्स क्लियर करूँ, जो मेरे से पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा करके, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना उससे आपका बेनिफिट होगा, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम कैसे होगा, एड्रेस कैसे होगी, हॉस्टल में कैसे रहना है, क्या इंपॉर्टेंट सामान चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्रेरणा दी 206 रैंक में BSc नर्सिंग में हल्द्वानी कॉलेज मिल जाएगा, यानी फॉर SC मिल जाएगा प्रेरणा, कांग्रेस बहुत अच्छी रैंक है, SC कैटेगरी वालों को मिल जाएगा। क्यों खत्म होगा AWS, कोई खत्म नहीं होगा, ठीक है, कोई कोटा खत्म नहीं होगा AWS के लिए, सबकी सीट बच्चे रिजर्व रहती है। AWS को इतनी सीट्स मिलेंगी, SC वालों को इतनी, DPW वालों को इतनी, जो हैंडीकैप्ड होते हैं इतनी, तो ऐसे सीट्स वो लोग खत्म नहीं कर सकते अपने हाथ से, वो गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है, कैसे खत्म कर देंगे। और मैंने ट्रिक आपको बताई थी, अगर जनरल कैटेगरी वालों आपकी रैंक 300-400 है, जो है एल्डर सिस्टर जिस तरह आप समझाते हो वो भी काफ़ी अच्छा है, थैंक यू ईसू। काउंसलिंग की ट्रिक बता दो, काउंसलिंग की ट्रिक सुनिए, अगर आपकी रैंक ना अंडर, अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपकी रैंक 300 समथिंग है, 350 समथिंग है, तो फर्स्ट तो आप लोग काउंसलिंग के टाइम क्या करो ना, पहले तो वैसे प्रायोरिटी आपको अच्छे कॉलेज को ही देनी चाहिए, समझ रहे हो, बट अगर आप लोग क्या करो ना उस टाइम पर, क्योंकि अच्छे कॉलेज के लिए सारे स्टूडेंट लड़ेंगे, जो टॉपर्स हैं वो भी लड़ेंगे, जिनकी अंडर 100 है वो लड़ेंगे, 200 है वो लड़ेंगे, अब 300 वालों की पूछ तो कहाँ ही होगी अच्छे कॉलेज के लिए, तो आप पहले उन कॉलेज को डालें काउंसलिंग में जिनकी जो और बच्चों ने नहीं डाले, जैसे टॉपर्स क्या करेंगे देहरादून और हल्द्वानी के लिए लड़ेंगे, तो 300 रैंक वाले भी अगर हल्द्वानी और देहरादून के लिए लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। प्रायोरिटी किन्हें दी जाएगी, जिनकी रैंक अंडर 100 है, तो आप लोग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, गढ़वाल ऐसे कॉलेज डालिए, और अगर एक बार वो कॉलेज मिल गए तो एक गवर्नमेंट सीट आपकी पक्का हो जाएगी, समझ रहे हो, उसके बाद उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग करवाइए, उसमें जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को फर्स्ट में डालिए, ईजिली वो कॉलेज फिर अगर आपको मिल जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलता है तो एक बार सरकारी सीट मिल गई तो उसे मत छोड़िए, बहुत 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 फ़ायदे में रहने वाले।
क्योंकि अगर जिनकी 300-400 रैंक है जनरल कैटेगरी हो या फिर SC ST जिनकी बहुत दूर रैंक है, जिनको पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है कॉलेज मिलने के, तो उससे क्या होगा ना, अब देखो एक की रैंक है 100, एक की रैंक है 500, ये 100 रैंक वाला हाथ है, ये 500 रैंक वाला हाथ है, दोनों लड़ रहे हैं हल्द्वानी कॉलेज के लिए, तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? 100 रैंक वालों को, 500 रैंक वाला पीछे रह जाएगा, तो 500 रैंक वालों को लड़ना ही क्यों है? उस कॉलेज के लड़ो जिसके लिए कोई नहीं लड़ रहा है, भले ही थोड़ी दूर हो मगर कॉलेज तो मिलेगा ना। टिहरी डाल दो, अल्मोड़ा डाल दो, पिथौरागढ़ डाल दो, उसके लिए उतने कोई बच्चे नहीं लड़ेंगे जितना फिर वो कॉलेज जब आपको मिल जाएगा तो सेकंड और थर्ड में आप लोग फिर काउंसलिंग करवाओ और अच्छे खासे आपको फिर क्या होगा ना, कॉलेज मिल जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए ट्राई सब करो, काउंसलिंग सारी करो, बट ट्रिक्स अगर यहाँ पर मेरी, अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आ रही है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है कि कैसे कराएं काउंसलिंग तो मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। और मैं ये तुम्हें पता क्यों इतना काउंसलिंग के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ काउंसलिंग करवाओ करवाओ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बताना, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे भी बताने वाला था नहीं, तो मैं आज पिथौरागढ़ अटक के रह गई हूँ। सुनीता मिल जाएगा, सारी काउंसलिंग करो, चांसेस हैं, पैरामेडिकल में सीट्स कम है, अगर फिर भी काउंसलिंग कराओ। 40 रैंक जनरल कैटेगरी मिल जाएगा, पारुल बहुत अच्छी रैंक है, अगर 40 रैंक है आपकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक है। 34 इरम अपनी रैंक बताओ, पैरामेडिकल में जो अच्छे देहरादून वाले कॉलेज होंगे वहाँ तो सारे बच्चे अपना माइंड लगाएंगे, जो टॉपर्स होंगे सब अच्छे अच्छे कॉलेज के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे, तो ऐसे कॉलेज इशू डालो आप जो आपको लगता है कि बहुत कम पूछोगे, जो हिल एरिया में होते ना उनमें कोई नहीं डालता, पहाड़ में कौन जाना चाहता है, सब लोग सिटीज़ में सेटल्ड होना चाहते हैं, पहाड़ों के कॉलेज डाल दो, आखिर में उनकी डिग्री आपकी डिग्री सेम ही होनी है, कोई डिफरेंस नहीं होना है, तो दिमाग लगाओ, गवर्नमेंट सीट को कब्जा लो। मुदस्सर आपको इसलिए कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी रैंक है। इरम अपनी रैंक बताओ बच्चे, मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ मत बोलो, तो मेरा काम है बताना, आप अपनी रैंक बताओ, ठीक है? इसलिए मैं ये ना ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोग अभी से ट्रिक को बिल्कुल माइंड में बैठा लो और मिल जाएगा। इरम दोस्त बाप री, 2916 रैंक है दी, बहुत ज़्यादा रैंक है इरम, बहुत ज़्यादा रैंक है। स्मिता बिस्ट बहुत ज़्यादा रैंक है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अल्मोड़ा अलॉट होता है और फिर सेकंड काउंसलिंग में अल्मोड़ा में एडमिशन ले लेंगे, यार मैं एक बात, अभी मेरे से कोई क्वेश्चन मत करो, पहले मेरी बात सब लोग सुन लो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है? जब आप लोग 3 काउंसलिंग करवाते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर आपको माना फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया टिहरी चंपावत पौड़ी, ठीक है, ये वालों ये अगर आपको मिल गया, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, प्लीज़ उस पे जाके एडमिशन ले लीजिए। अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी, समझ रहे हो? तो आपके हाथ से गवर्नमेंट सीट चले जाएगी। फर्स्ट में काउंसलिंग में गंदा कॉलेज मिल रहा है, कोई नहीं, एडमिशन ले लो, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग करवाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर उसमें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज से, गंदे कॉलेज से अच्छे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? माना फर्स्ट काउंसलिंग में आपको टिहरी मिल गया, सेकंड काउंसलिंग में आपको दून मिल गया, तो टिहरी में जाके फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लीजिए जो कॉलेज मिला है, फिर सेकंड में अगर आपको हल्द्वानी कॉलेज मिलता है तो टिहरी का कॉलेज हल्द्वानी के कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट्स ईजिली ट्रांसफ़र कर देगा, क्या कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हो? तो प्लीज़ जो भी कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ले लो, छोड़ो मत। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है इरम, डिवाइन कॉलेज मैं, अगर आप चाहते हो मैं पता करूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप मुझे लिखो, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। अब से ना मैं पेन और एक कॉपी लेके बैठूँगी, जो जो क्वेश्चंस है ना वो मैं लिखते रहूँगी, फिर मैं ऐसे भूल जा रही हूँ, है ना? मैम पैरामेडिकल में हिल एरिया में कौन सा कौन कौन सा, यार मुझे ना ईशू ऐसे याद नहीं है बच्चे, बट मैंने सारे इस पूरे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूरी वीडियोस बनाई हैं। हाँ इरम, यार रुक जाओ इरम 2 मिनट। हाँ मेरे को मैसेज कर देना, मैं ज़्यादा रैंक वालों को। इरम आपने कौन सा कॉलेज का नाम लिया मुझे प्लीज़ बताओ, मैंने अभी ये पकड़ लिया, मैं ज़रा लिख दूँ। 264 रैंक का जनरल पैरामेडिकल में हीरा सिंह, सारी काउंसलिंग करवाओ पैरामेडिकल की, वैसे तो कम सीट्स हैं बट आपकी रैंक अच्छे तो हो सकता है मिल जाए।
आस्था अभी भी कंफ्यूज है तो प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन करो यार, कंफ्यूज मत रहो लाइफ में, मेरे से सब क्लियर करो यहाँ पे मैं, इसलिए आज तो मैंने 1 घंटे की लाइब्रेरी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, बट ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, सबको कॉलेज मिलना चाहिए, बस मेरा एम तो यही है, डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैंने लिख लिया है, डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको पक्का बताऊँगी। काउंसलिंग हो सकता है मुदस्सर हुसैन, अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग, अभी तो कोई चांसेस नहीं क्योंकि अभी तक हमारा जो फर्स्ट ईयर बैच है उसी का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, कैसे होगी काउंसलिंग बताओ, है ना। अब मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ यहाँ पे सबके क्वेश्चंस, ठीक है, अगले अगले जब का लाइव आऊँगी तो इसी को लेके आऊँगी, श्यामपुर कांडी, ओके श्यामपुर, ओके श्यामपुर, श्यामपुर काउंसलिंग होगी, हमें आंदोलन करना पड़ेगा यार, हो जाएगी सौरभ चिल मारो, क्यों नहीं होगी काउंसलिंग, कैसी बात कर रहे हो यार, काउंसलिंग हमारे टाइम पे भी बहुत देर में काउंसलिंग हुई थी, हम भी बहुत लेट कॉलेज गए थे, हल्द्वानी में मिल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में 264 रैंक में, हीरा सिंह नहीं मिलेगा आपको, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ ऐसा कॉलेज मिलेगा फर्स्ट काउंसलिंग में, इतनी रैंक में नहीं मिलता भाई, अंडर 100 वालों को मिलेगा हल्द्वानी में, टॉप लेवल का कॉलेज है, इतनी इजीली आपको नहीं मिलेगा, और मैं झूठी यहाँ पर होप्स भी नहीं दूंगी कि मिल जाएगा करके फिर वहाँ पर नहीं मिला तो आप लोग बोलोगे दीदी का चैनल बेकार है, दीदी हमें झूठी होप्स थी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती। 130 रैंक है राणा जी, बहुत कांग्रेस, आपको इजली GNM में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है मिल जाएगा आपको कॉलेज, काउंसलिंग सारी करवानी है यार, कोई भी काउंसलिंग मत छोड़ो आप, मैंने तो सेकंड, मैं आपसे यहाँ पे इतनी जिद कर रही हूँ ना काउंसलिंग, अपने टाइम में मैंने बस एक काउंसलिंग करवाई और ऐसे खुश हुई जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, बट उस टाइम के लिए ये भी बहुत था, उस टाइम नया नया BSc नर्सिंग तो सब खुश थे कि मैंने गवर्नमेंट सीट निकाली है, बस खुशी खुशी में खुश हो गए। या मुझे नाम याद हो गया, यही बोलूँगी हर पैरामेडिकल में हॉस्टल मेस फीस ईयरली कितनी की 50,000 से कम होगी अगर गवर्नमेंट में पढ़ते हो, सब रहना खाना पीना एग्जामिनेशन वगैरह 1 साल की, मैं यही बोलूँगी योर फ्रेंड, सब लोग योर फ्रेंड को देखो, उसको हल्द्वानी कॉलेज मिला है, कुछ सीख लो उससे। मैं क्या बोल रही हूँ ना, हर फ्राइडे को मैं लाइव आती हूँ हफ्ते में एक बार, और आज तो मैंने 1 घंटे की लाइव ली है क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था बच्चों को, वैसे मैं हाफ आवर के लिए आती हूँ, बट अगर आप लोग बोलेंगे कि ड्यूरेशन बढ़ाओ तो मैं आप लोगों के लिए ड्यूरेशन बढ़ा दूँगी, अगर आपको इस टाइम लाइव आने से कोई प्रॉब्लम है, कभी और आप टाइम रखना चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं आपके लिए वो भी टाइम शेड्यूल चेंज करने को रेडी हूँ। हर फ्राइडे आप लोग मेरा लाइव ज्वाइन करिए, जो भी डाउट्स हैं क्लियर करिए, प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हो, मैं इस कॉपी में लिख रही हूँ, अगली लाइव में मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँगी, उन्हीं का आपको अच्छे से आंसर करूँगी। काउंसलिंग 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी फ़ीस जाती है, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो प्लीज़ कोई भी काउंसलिंग आप लोग स्किप मत कीजिए, सारी काउंसलिंग आप लोग करवाइए, और सारी काउंसलिंग और अपनी होप्स को लूज़ मत कीजिए, और मेरी सारी वीडियोज़ देखिए, ये मैं अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब मत करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रमोट करने के लिए कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में क्या कर रखा है ना, कैसे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, GNM, ANM, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी डाली है जो प्रॉमिस में कर रही हूँ आप लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उन वीडियोज़ में, उन वीडियोज़ को देखकर, अगर आप नहीं देखोगे ना तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए बट उनसे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और मेरे चैनल, और हाँ मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं यार, मैंने डाली हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये ट्रस्ट मी, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखो, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, और या आपके लिए हेल्पफुल इसलिए बोल रही हूँ, बस एक बार देख लो यार, अच्छा लगेगा, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, और अगर अच्छी वीडियोस लगती हैं आपको, लगता है कि आपकी मेरी वीडियोस से आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ सब्सक्राइब करिए, आप बोलोगे दी बोली मत करिए, करिए जैसा आपको सही लगता है वैसा करिए, बट डीमोटिवेट मत होइए, अपने को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है, हमें मिलेगा, हमें काउंसलिंग करवानी है और सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, हर फ्राइडे को लाइव ज्वाइन करनी है,
कोई गलती नहीं करनी है। 10th और 12th का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC हो गया, और जिसके पास EWS है EWS रखो, कैटेगरी SC है ST है, OBC है, जो भी सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट रखो। काउंसलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट बनाओ जिन्होंने गैप कर रखा है, और जिन्होंने कॉलेज कर रखा है, BSc कर रखे, जिन्होंने BA कर रखा है, MA कर रखा है, वो आप लोग आपने कॉलेज की TC भी रखी है, वहाँ का माइग्रेशन भी रखी है, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रखिए। अपने को इतना माइंड मतलब माइंड से प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे तो आप बोलो हाँ मेरे पास तो ये, मैंने तो ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए ओ माय गॉड मैंने कहाँ रख दिया, मैं इतनी देर से काउंसलिंग चिल्ला रही हूँ, उसके डॉक्यूमेंट बता नहीं। तो मुझे भी बहुत दुख होगा अगर आप में से किसी को कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ सबको कॉलेज मिल जाए यार, मुझे बताना जरूर ना जिसको कॉलेज मिलेगा, दी हमें मिल गया करके, ये नहीं कि कॉलेज मिलेगा दी को भूल जाए, बताना जरूर। मैं दिल से चाहती हूँ आप सबको कॉलेज मिल जाए, फिर आप सब लोग मिलकर नर्सिंग करो, वीडियोस बनाओ कॉलेज की और मुझे शेयर करो, और फिर मैं देखूँ और बोलूँ हाँ इन्हें तो मेरे से क्वेश्चन करा था, ये वही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे सारी काउंसलिंग करो, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बोले वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर करके रखो। काउंसलिंग के लिए 2000 से कम ही फीस जाएगी, SC वालों के लिए थोड़ी छूट होती है, उनको थोड़ा कम फीस देनी पड़ती है जनरल कैटेगरी वालों के कंपेरिजन पे, कैटेगरी वाइज थोड़ा छूट होती है काउंसलिंग में यार। और किसको कुछ पूछना है? तो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा गला ना थोड़ा थक गया, फीलिंग बहुत बोल दिया मैंने, तो इसलिए कुछ कुछ किसको कुछ डाउट्स क्लियर करने कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। और अभी काउंसलिंग की से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर मैं ऐसे बता दूँ कि अभी होगी या फिर कब होगी करके, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हो रखे, जो सेमेस्टर होते हैं मेनली वो भी नहीं हुए हैं, और जब भी होगी मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी और इससे रिलेटेड एक वीडियोज़ भी मतलब पोस्ट कर दूँगी, जिससे आप इजीली मतलब आपको पता लग जाएगा कि काउंसलिंग कब है, कब से स्टार्ट है, कितनी फ़ीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। इसके रिगार्डिंग तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ कि मतलब फ़ीस कितनी है, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो मैं वीडियोस बना दूँगी और भी। तो ओके ठीक है, पैरा मेडिकल OBC 110 रैंक, एनी चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज, सारी काउंसलिंग कराओ मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक वाला क्वेश्चन भी नोट कर लेती हूँ, हल्द्वानी नहीं, हीरा सिंह को हल्द्वानी में तो इतनी रैंक में नहीं मिलेगा, हो सकता है कि कोई दूर का कॉलेज मिल जाए, बट सारी काउंसलिंग करवाओ क्योंकि अंडर 100 रैंक वालों को ही मिलेगा हल्द्वानी, टॉप लेवल के कॉलेज से मैंने भी बता रखा है। ये नहीं बोलूँगी काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग सारी करवाओ, हो सकता है मिल जाए। तो ओके आई होप इस वीडियो से आप सभी के डाउट्स बहुत 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 सारे क्लियर हो चुके होंगे, और मैं बहुत अब थक भी गई हूँ, और अब मैं अगले फ्राइडे को फिर से लाइव आऊँगी, और जिसके डाउट्स क्लियर नहीं हो रखे हैं प्लीज़ आप लोग वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करना उस लाइव में, मैं वीडियो और इंस्टाग्राम में मुझे वो करना मैसेजेस करना, मैं अभी इंस्टाग्राम की ID कम्युनिटी पोस्ट में डाल रही हूँ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, ऐसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड अभी कोई भी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसी होगी तो मैं आप सब लोगों को बता दूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल।